लोग वैष्णो देवी नहीं घूमने जा सकेंगे उनके लिए इस बार सबसे अच्छा मौका है कि गया शहर में आकर के अपने माता जी का दर्शन कर लें। सेम टू सेम दोस्तों, जैसा कि रियल में माता वैष्णो देवी का जो गुफा है उसी के स्वरूप में दोस्तों इस गुफा को, इस पंडाल को दोस्तों बनाने की कोशिश की गई है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, एक बार फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। तो गाइस, पिछली वीडियो में आपने देखा था मैंने दोस्तों गया का जो पितृपक्ष मेला है वो मैंने आपको एक्सप्लोर किया था, लेकिन गाइस आज मैं आपको गया में ही एक बिहार का दोस्तों सबसे सुंदर बहुत ही शानदार दोस्तों गया में पंडाल बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही गाइस यूनिक कॉन्सेप्ट पर दोस्तों यहाँ पर पंडाल दोस्तों जो है बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ दोस्तों यहाँ पर जो है माता वैष्णो देवी के दोस्तों मंदिर के दोस्तों जो गुफा है उसी के थीम पर यहाँ पर गया के दोस्तों हाथी गोदाम में यहाँ पर भव्य पंडाल, दुर्गा पूजा पंडाल दोस्तों बनाया जा रहा है। तो पूरा हम आपको एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर करने वाले हैं। तो गाइस बस आप लोग इस ब्लॉग में बिल्कुल इन तक बने रहिएगा। इस फिलहाल अभी आप देख सकते हो तो ये जो पंडाल है गाइस पूरा मेन मार्केट में है, पूरा आप देख सकते हो इधर में मार्केट वगैरह है, और बिल्कुल सामने में आप देख सकते हो बहुत ही भव्य दुर्गा पूजा पंडाल दोस्तों यहाँ पर बनाया जा रहा है। लगभग जो तैयारियाँ है यहाँ पर दोस्तों जोरों थोरों से दोस्तों चल रही है, और दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो पंडाल बनाने की जो तैयारी एकदम जोरों थोरों से चल रहे हैं, और यहाँ पर वर्कर है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपू बोर। कहाँ से हैं आप लोग? कोलकाता से। अच्छा, तो गाइस आप देख रहे हो ये जो पंडाल बन रहा है कोलकाता के कारीगर लोग ये पंडाल, इस पंडाल को बना रहे हैं। तो बताइए कितना भव्य पंडाल होने वाला है? वैष्णव देवी का जो गुफा है ना, वैष्णव देवी का जाने के जो गुफा है वो गुफा के स्टाइल में हम बना रहे हैं। क्या कुछ इस पंडाल में स्पेशल होने वाला, खासियत क्या क्या होने वाले हैं पंडाल के अंदर? तो 1500 फीट गुफा है, और सब एसी ठंडा रहेगा, और यहाँ 1500 आदमी जा सकता है एक साथ में, ठीक है। सब छत का ऊपर में हो रहा है, माने जहाँ पर वैष्णव देवी माता वहाँ बैठेगा वहाँ होती कि 26 फीट ऊपर है। 26 फीट ऊपर? हाँ, 26 फीट ऊपर है। और कितने दिनों से पंडाल को बनाया जा रहा है? हाँ, डेढ़ महीने से। यही समझिए कि सेम टू यू वैष्णो देवी का गुफा ही रहेगा, सेम टू सेम, और जितना निर्मल मूर्ति पूजा वैष्णो देवी माता जाने में उतना चीज यहाँ है। यहाँ के लोगों को तो पहला बार मौका मिलेगा इस तरह का पंडाल को देखने के लिए, और हमको लगता है कि बिहार झारखंड में इस बार सबसे टॉप गया में ही रहेगा। वैष्णो देवी के तर्ज पर पंडाल बनाया जा रहा है और काफ़ी दिनों से काम चल रहा है। देख सकते हो यही गया में दोस्तों बहुत ही भव्य, बिहार में दोस्तों बिहार का सबसे शानदार यहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था वैष्णो देवी माता का, जैसे आपका जो गुफा है उसके अंदर आप जाते हो ठीक उसी तरह का दोस्तों इस पंडाल में आपको फील होने वाला है। तो फिलहाल अभी हम लोग इस पंडाल के अंदर चलने वाले हैं और अंदर से आपको ये जो पंडाल है एक्सप्लोर करने वाले हैं। गाइस चलिए अब हम लोग बिहार का हम आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्गा पूजा पंडाल हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग दोस्तों जो है पंडाल के अंदर आ चुके हैं, और गाइस जैसे ही हम लोग इस पंडाल के अंदर आते हो तो भाई सब एकदम अलग ही लेवल का भाई फील हो रहा है। भाई ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि हम भाई किसी दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर आए हैं। भाई ये जो पूरा जो गुफा है भाई एकदम नेचुरल तरह से दोस्तों एकदम इसका डिज़ाइन भाई किया गया है, पूरा ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दोस्तों ये जो गुफा है एकदम आर्टिफिशियल है, एकदम नेचुरली तरह से दोस्तों इसको बनाया गया। मतलब जैसे ही आप इस पंडाल के अंदर आते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर भगवान शिव का दोस्तों यहाँ पर शिवलिंग देखने को मिल जाएगा, और आप देख लो भाई ये जो गुफा है, भाई मैं आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि ये जो गुफा दोस्तों बनाया गया है 1500 फीट दोस्तों लंबा गुफा बनाया गया है पूरा, और जो ये जो गुफा है दोस्तों फुल्ली एसी ये गुफा होने वाला है। भाई क्या बात है दोस्तों, ये देख लो भाई यहाँ पर कितना भाई ये शानदार गुफा है, ये देख सकते हो भाई। अभी हम लोग फिलहाल उधर से आए और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से दोस्तों टर्निंग होने का दोस्तों इस गुफे का रास्ता है, मतलब देख लो पूरा ये जो गुफा है भाई स्ट्रेट नहीं है दोस्तों, एकदम राउंड राउंड करके दोस्तों ये जो गुफा है इसको बनाया गया है भाई। वाह, और दोस्तों यहाँ से शुरू होता है रियल माँ वैष्णो देवी का, जिस तरह से आप जो गुफा है माता का दर्शन करने के लिए जाते हैं दम सकरनी गुफा से, मतलब जो किनारा एकदम पतला पतला गुफा रहता है ठीक उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर बनाया गया है भाई, एकदम सेम टू सेम दोस्तों जैसा कि रियल में माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है जो गुफा है उसी के स्वरूप में दोस्तों इस गुफा को, इस पंडाल को दोस्तों बनाने की कोशिश की गई है। फिलहाल अभी हम लोग पंडाल में उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर दोस्तों माता दुर्गा विराजमान होगी,
यहाँ पे माता देवी का, वैष्णो देवी माता का तीनों रूप पिंडी रूप में विराजमान रहेंगी। अच्छा, अच्छा। मुख्य यहीं पे स्थापना उनका होगा। अच्छा। जो कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से वान गंगा अर्धकुमारी सब दर्शन करते हुए माता देवी के भवन में आएंगे, इसके बाद आप भैरवनाथ जी का दर्शन करते हुए फिर बाहर जाएंगे। यहाँ पे माता जी के दर्शन करने के बाद आप भैरवनाथ का दर्शन करना अनिवार्य है, इसलिए भैरवनाथ जी का दर्शन करने के बाद ये आपका निकास द्वार है। अच्छा अच्छा। और इधर से भी निकास द्वार है, इमरजेंसी में आप इधर से भी निकला। मतलब दो दो एग्जिट द्वार है ना। तो भाई बताइए कितना शानदार, कैसा लग रहा है आपको? बहुत 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 बढ़िया लग रहा है, हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि वर्षों बाद ये यहाँ बिहार में सबसे बढ़िया हमारे गया में, हमारे हमारे जिला में, हम तो वजीरगंज प्रखंड का है, हमारे जिला में, हमारे जिला में इतना बहुत सुंदर और बेहतरीन पंडाल जो बनने जा रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो लोग वैष्णो देवी नहीं घूमने जा सकेंगे उनके लिए इस बार सबसे अच्छा मौका है कि गया शहर में आकर के अपने माता जी का दर्शन कर लें, और फिर ये मौका नहीं मिलेगा अगले साल से। हो सकता है कि अगर सब लोगों को काफ़ी पसंद आएगा तो इससे भी अच्छा और किया जाएगा और भी पंडाल तरह तरह का बनेगा। हमको तो बहुत एक्साइटेड है कि क्या भी ये ओपन हो, क्या हम आके पूरा अच्छा से देखें। ये तो अभी आधा ही, आधा में इतना अच्छा लग रहा, तो पूरा होगा तो कितना अच्छा लगेगा। वो एक्साइटेड बहुत सारा है कि हम एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा, हम बोल ही नहीं पा रहे। सभी लोग, पूरा गया के लोग यहाँ पर एक्साइटेड है भाई, पूरा बिहार के लोग इस पंडाल को देखने के लिए एक्साइटेड है। लोग तो खुशी इस बात के हैं, हमारे माता पिता जी को दर्शन कराने वैष्णो मंदिर नहीं गए हकीकत में, हम खुद अपने ही शहर में, अपने ही शहर में अपने ही जिला में वैष्णो माँ के दर्शन कराएंगे। तो बहुत प्राउड सब लोगों के परिवार इस बार गया शहर को घूमने के लिए आएंगे और यहाँ के पंडाल को देखेंगे। बहुत ही गाइस प्राउडफुल होता है कि हमारे बिहार में दोस्तों बहुत ही भव्य, कोलकाता के भी मतलब जिस तरह से कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल बहुत ही भव्य भव्य दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जाता है, ठीक उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी कुछ यूनिक तरह से पहली बार दोस्तों यूनिक कॉन्सेप्ट पर दोस्तों माता वैष्णो देवी गुफा के थीम पर दोस्तों यहाँ पर गया में पंडाल, दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। वाह भाई साहब, एकदम मजा आ गया भाई, एकदम ऐसा भाई इस गुफे में आने के बाद ऐसा फील हुआ कि सच में दोस्तों मैं माता वैष्णो देवी के दरबार में आया हूँ, ठीक उसी तरह से भाई यहाँ पर फीलिंग हुआ। खैर अभी तो ये जो पंडाल है पूरी तरह से बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है, अब ये गुफा बन जाएगा, ये फुल्ली एसी गुफा हो जाएगा। और बिहार का दोस्तों सबसे खूबसूरत ये दुर्गा पूजा पंडाल दोस्तों गया में होने वाला है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। फिलहाल आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। Thanks for watching the vlog guys. Bye-bye.